जानवर। एक दिन ऐसा भी आएगा जब भारत में एक भी जानवर देखने को नहीं मिलेंगे। दुनिया में कई प्रकार के जानवर और उनके प्रजातियां पाई जाती हैं। उसी तरह भारत में भी कई प्रकार के जीव जंतु के प्रजातियां पाई जाती हैं, जो धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। जिसका सबसे मुख्य कारण है पिछले कुछ सालों में इंसानों की आबादी बढ़ना और शहरीकरण बहुत ही तेजी से होना, साथ ही जंगल की बड़े पैमाने पर कटाई होना, जिसके वजह से इन जानवरों को कई नुकसान उठाने पड़ते हैं, जैसे कि अवैध शिकार, जलवायु परिवर्तन। यदि हम लोग इनके सुरक्षा के लिए उचित कदम नहीं उठाते हैं तो वो हमेशा के लिए विलुप्त हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे भारत से विलुप्त हो रहे कुछ ऐसे ही 10 जानवरों के बारे में। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल सामान्य ज्ञान में। नंबर एक पर है बंगाल टाइगर। बंगाल टाइगर भारत के सबसे अधिक लुप्त हो रहे जानवरों में से एक है, जो पूरे भारत में केवल 2500 बाघ ही रह गए हैं। ये बाघ की प्रजाति भारत, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं। वास्तव में बंगाल टाइगर का लुप्त होने का मुख्य कारण बंगाल टाइगर का अवैध शिकार, उनके निवास स्थान की हानि और मनुष्य और बाघ के बीच संघर्ष शामिल है। ज्यादातर शिकारी बाघ को उनके फर, हड्डियों और शरीर के अन्य हिस्सों के लिए मार देते हैं, जिसका इस्तेमाल पारंपरिक चीनी दवाइयों में किया जाता है। और उनके लुप्त होने में पर्यावास की हानि होना भी एक बड़ा कारण है, जिसकी वजह से बाघ के लिए रहने, शिकार करने की जगह कम हो जाता है। इस कारण अक्सर बाघ को इंसानी बस्तियों में आना पड़ता है, जिसके वजह से इंसान और बाघ के बीच संघर्ष बढ़ जाता है, जो हम इंसानों के कारण ही होता है। इसीलिए इनका सुरक्षा करना भी हमारा ही काम है, और इसीलिए बंगाल टाइगर के सुरक्षा के लिए कई संरक्षण प्रयास चल रहे हैं। और निरंतर चल रहे संरक्षण प्रयासों से उम्मीद किया जा सकता है कि बंगाल टाइगर को विलुप्त होने से बचाया जा सकता है। नंबर दो, एशियाई शेर। एशियाई शेर मुख्य रूप से भारत में पाए जाते हैं। भारत के गुजरात के गिर नेशनल पार्क में इनका निवास है। ये पूरे एशिया में शेरों की एकमात्र जीवित आबादी है। उनकी आबादी बहुत ही कम होने के कारण उन्हें लुप्त हो रहे जानवरों के लिस्ट में शामिल किया गया है। इनका वजन लगभग 220 किलोग्राम के आसपास होता है। अभी के समय पूरे भारत में करीब 650 एशियाई बाघ ही मौजूद हैं, जिसमें ज्यादातर गुजरात के गिर नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। एशियाई शेर अफ्रीकन शेर से छोटे होते हैं। इनके लुप्त होने के पीछे सबसे बड़ा कारण इनके निवास स्थान की हानि, अवैध शिकार और मनुष्यों के साथ इनका बड़ा संघर्ष शामिल है। इसीलिए इनके सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा कई प्रयास चलाए जा रहे हैं, जिससे ये आशा किया जा सकता है कि आने वाले समय में एशियाई शेर को भारत से लुप्त होने से बचाया जा सके। नंबर तीन, एक सींग वाला गैंडा। एक सींग वाले गैंडे को भारत में भारतीय गैंडे के नाम से भी जाना जाता है। ये गैंडा सफेद गैंडे के बाद दूसरी सबसे बड़ी गैंडों की प्रजातियां है। ये भारत के साथ साथ नेपाल के चितवन में भी बहुत बड़े मात्रा में पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे बहुत ही भारी जानवर होते हैं, जिनकी चमड़ी बहुत ही मोटी होती है। एक सींग वाले गैंडे की सबसे बड़ी आबादी भारत के आसाम में काजीरंगा नेशनल पार्क में पाया जाता है। इन्हें भारत के लुप्त हो रहे जानवरों के लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। 20वीं सदी के शुरुआत में इनकी बहुत ही बड़े पैमाने पर शिकार किया जाता था। शिकारी इनके अंग चीनी दवाइयों को बनाने में उपयोग करते थे, लेकिन सरकार के द्वारा और अन्य संस्थाओं के द्वारा संरक्षण उपाय के कारण अब भारत में इनकी संख्या बढ़कर लगभग 3700 तक पहुंच गया है। नंबर चार, नीलगिरी तहर। नीलगिरी तहर एक जंगली पहाड़ी बकरी जैसी दिखने वाली स्तनधारी प्राणी है। नीलगिरी तहर भारत के तमिलनाडु और केरल के नीलगिरी पहाड़ियों और पश्चिम घाटियों में पाए जाते हैं। नीलगिरी तहर तमिलनाडु का राष्ट्रीय पशु है, जिसे भारत के लुप्त हो रहे जानवरों के लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। नीलगिरी तहर एक सामाजिक प्राणी है, जो झुंड में रहते हैं। ये ज्यादातर पहाड़ों की ऊंची चोटियों और घने जंगलों में रहना पसंद करते हैं। अवैध शिकार और आवास का विनाश इनकी संख्या में आई गिरावटों का मुख्य कारण है। इसीलिए वहां के सरकार ने इनकी संरक्षण के लिए और इनकी संख्या को बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। 20वीं सदी के अंत में जंगलों में 100 नीलगिरी तहर छोड़े गए थे, जिससे आज के समय लगभग 3122 नीलगिरी तहर हो चुके हैं। नंबर पाँच, शेरों जैसे पूंछ वाले मकाक। शेरों जैसे पूंछ वाले मकाक एक बंदर की विलुप्त हो रही प्रजाति है। ये भारत के तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल के पश्चिमी घाटियों के वर्षा वनों में पाए जाते हैं। इन मकाक के संख्या में हो रही गिरावटों के कारण इन्हें भारत के लुप्त हो रहे जानवरों की संख्या में रखा गया है।
इस शेरों जैसे मकाक की कुल आबादी अब पूरे भारत में घटते घटते सिर्फ 3,500 तक ही रह गए हैं, जिसमें से पूरे दक्षिण भारत में केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क में इनकी सबसे बड़ी आबादी पाई जाती है। परंतु वर्तमान समय में इनके आवास का विनाश होने के कारण और इनको एक दूसरे से बहुत ही अलग अलग रहने के कारण ये आपस में प्रजनन करने में असमर्थ हैं। इसीलिए इनकी आबादी वर्तमान समय में तीव्र तरीके से घटती जा रही है। नंबर 6, कश्मीरी लाल हिरण। कश्मीरी लाल हिरण, जिसे हंगुल भी कहा जाता है, ये कश्मीर और आसपास के क्षेत्रों में पाई जाती है। ये एक प्रकार की लाल हिरण की लुप्त हो रही जानवरों की प्रजातियां हैं। 20वीं सदी के शुरुआत में कश्मीरी लाल हिरण की अनुमानित आबादी 5,000 के आसपास था, लेकिन इनके निवास स्थान के विनाश और अवैध शिकारों के कारण इनके आबादी में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिसके लिए इनके संरक्षण के लिए कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं। नंबर 7, काला हिरण। काला हिरण पतला शरीर और काले लंबे सींगों वाला एक हिरण है, जिसे मृग भी कहा जाता है। ये काला हिरण नेपाल और भारत के कुछ हिस्सों में खुले घास के मैदानों में और जंगली इलाकों में पाए जाते हैं। 1947 में काली हिरण की कुल आबादी लगभग 80,000 के आसपास थी, जो 1964 में घटकर सिर्फ 8,000 ही रह गई थी, जिसके बाद इनके संरक्षण के लिए कई उपाय अपनाए गए, जिसके परिणाम स्वरूप अब इनकी कुल आबादी भारत के संरक्षित क्षेत्रों में 25,000 तक हो गया है। नंबर 8, हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ भारत के हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊंचे ठंडे इलाकों के साथ साथ नेपाल के हिमालयी क्षेत्र में भी पाए जाते हैं। हिम तेंदुए के फर, शरीर के अन्य हिस्सों और मांस के लिए अवैध शिकार के कारण इनका नाम भारत के लुप्त हो रहे जानवरों के लिस्ट में सूचीबद्ध किया गया है। दुनिया भर में लगभग 4,000 हिम तेंदुए पाए जाते हैं, जिसमें से कुल 400 से 700 हिम तेंदुए की आबादी सिर्फ भारत में ही है, जिसके लिए भारत सरकार ने इनके प्रजाति के संरक्षण के लिए कई सारे उपाय और योजनाओं को तैयार किया है। नंबर 9, भारतीय बायसन गौर। भारतीय बायसन, जिसे गौर भी कहा जाता है, ये भारत में पाए जाने वाले जंगली मवेशियों की सबसे बड़ी प्रजाति है। दुनिया भर में गौर पूरे दक्षिण पूर्व एशिया में पाए जाते हैं, जिसमें इनकी 85% से भी ज्यादा की आबादी भारत में ही मौजूद है। गौर एक सामाजिक प्राणी है और ये लगभग 50 मवेशियों के झुंड में रहते हैं। अवैध शिकार और निवास स्थान के हानि के कारण इन्हें असुरक्षित लुप्त हो रहे जानवरों के लिस्ट में रखा गया है। नंबर 10, वृक्ष मेंढक। वृक्ष मेंढक भारत के पश्चिमी घाटियों में पाए जाने वाले मेंढक की गंभीर रूप से संकटग्रस्त लुप्त हो रही प्रजाति है। ये एक छोटे मेंढक हैं जो चमकीले नारंगी रंग के होते हैं। ये भारत के केरल अनाई मुंडी के चोटी के आसपास ऊंचाई वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। ये जमीन पर रहने वाली प्रजाति है और आमतौर पर बांस की झाड़ियों और घास के मैदानों में पाए जाते हैं। ऐसा अनुमान है कि ये मेंढक पूरे भारत में केवल 300 ही बचे हैं, इसीलिए इन्हें भी भारत के लुप्त हो रहे जीव जंतु के लिस्ट में गिना जाता है।